हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रिया ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? इतनी सारी एक के बाद एक मैं नया साड़ी निकाल रही हूँ, पहन रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ साड़ियाँ। और इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ, क्या है आगे कोई ओकेजन तो नहीं है? अरे हाँ यार, आगे ओकेजन है यार, थोड़ा दिल थाम के बैठो, ओकेजन को आने तो दो। अभी मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है और उसकी तैयारी चल रही है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या बन पाता है प्लान, या फिर प्लान कुछ नहीं बन पाता है, या फिर काम तो रहता है ना, ऑफिशियल काम, तो इसीलिए थोड़ा प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। तो जो भी हो, साड़ी वाड़ी तैयार करके रखी हूँ और उसके बाद है मेरा बर्थडे भी आएगा इसी महीना में, तो ये सब की तैयारी हो रही है। आप भी साथ बने रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसीलिए ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा पाइनएप्पल जूस बना लिया। ठंडा ठंडा जूस पीने का बाद कोई और काम मैं कर सकती हूँ। और इधर बन गई है गोभी की सब्ज़ी, गोभी और आलू का सब्ज़ी करी बन गया है, लंच का प्रिपरेशन चल रही है। और राइस भी बन गया है और आज मैं एक देहाती रेसिपी शेयर करूँगी, ये जो तुरई, आलू, पम्पकिन और मालाबार स्पिनच जो है उसको दे के एक मतलब बिल्कुल एक देसी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले इसको काट लेना है, ऐसा मैंने काट लिया है छोटा छोटा पीस करके। तो मालाबार स्पिनच का स्टेम जो है ऐसे ही छोटा रखना है। और ये बैंगन और ये जो साग है, इसको साग को अलग कर दिया है, ये साग को मैं बाद में डालूँगी और उससे पहले बैंगन। तो देखिए, सब काट के मैंने रेडी कर दिया है। अभी धो के साफ़ करके इधर कढ़ाई में तेल ले लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया, कोई मसाला फ्राई व्राई होने वाला नहीं है। तो बस 5 फोड़न ही डालना है, इधर 5 फोड़न प्याज और मिर्ची मैंने काट लिया है। बस इसको डाल के थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेते हैं, तो उसका बाद डाल देंगे ये सारी सब्ज़ियाँ जो साफ़ करके रखी हूँ। तो ऐसे थोड़ा फ्राई कर लेना है,
ज़्यादा कोई मसाला फ्राई नहीं चाहिए। तो अभी मैंने डाल दिया इसको वेजिटेबल्स को, और उसमें पाउडर मसाला थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अभी बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ेंगे, और बाद में ये जो मालाबार स्पिनच का जो साग अलग मैंने कर दिया था और ये बैंगन, इसको बाद में डालना है। ये ऐसे ही अभी है, इसको साफ करके काट कूट के रेडी कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा जैसे सॉफ्ट हुआ मैंने बैंगन डाल दिया है, और ये बीच में एक पेस्ट डाला है, ये है अदरक लहसुन प्याज का नॉर्मल पेस्ट है, और इसको बस ऐसे ही कच्चा डालना है, कोई मसाला फ्राई व्राई नहीं करना है, ऐसे कच्चा डालना है इसमें। ये मिक्स होके बहुत अच्छा एक फ्लेवर देती है। अभी ये सारी चीज़ें को मिला देना है, बस ढक के इसको कुक होने के लिए छोड़ेंगे। जब पूरी तरह से कुक हो जाएगी फिर मैं साग ऐड करूँगी। अभी देखिए अच्छा से मिक्स हो गया, सॉफ्ट हो गया, ओवर बॉयल नहीं करना है, ऑलमोस्ट कुक हो गया है। तो अभी मैं साग को काट के इसमें डाल दूँगी, मैंने डाल दिया है। अभी मिक्स करके थोड़ा समय के लिए इसको कुक करेंगे। और कुछ मसाला वसाला बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी बन गया है, बनने का बाद कुछ ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर आप इसको बनाइए और खाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एंड बाय बाय।